हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने एरिया के बीएलओ के मोबाइल नंबर को पता करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप अपने वोटर कार्ड में करेक्शन करते हैं तो जो भी करेक्शन होता है वो बीएलओ के अंडर में होता है, या फिर आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ जाती है जिसमें कि आपको बीएलओ से कॉन्टेक्ट करना होता है और आपके पास बीएलओ का मोबाइल नंबर नहीं होता, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि आप अपने घर बैठे अपने एरिया के बीएलओ का मोबाइल नंबर कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वाली की स्क्रीन पर। अपनी एरिया के बीएलओ का मोबाइल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे वोटर्स ईसीआई। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं voters.eci.gov.in, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप वोटर सर्विस पोर्टल के पेज पर आ जाएंगे और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकती हैं। अब यहाँ पर बीएलओ का मोबाइल नंबर पता करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको सर्विस का सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको चार ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है नो योर पोलिंग स्टेशन एंड ऑफिसर। इसके नीचे आप देख सकते हैं बीएलओ इलेक्ट्रोल ऑफिसर डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपिक नंबर, आप जिस भी एरिया के बीएलओ का मोबाइल नंबर पता करना चाहते हैं उसी एरिया के यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर को टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं वोटर कार्ड नंबर टाइप कर लेता हूँ। वोटर कार्ड नंबर को टाइप करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और जो भी आप अपने एरिया के बीएलओ का मोबाइल नंबर को निकालना चाहते थे वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीएलओ का नाम देख सकते हैं और जो भी बीएलओ का मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे अपनी एरिया के बीएलओ का मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।